हेलो व्यूअर्स, टॉफी द जीएसटी चैनल में मैं सिद्धार्थ आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से डॉग हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, गैस्ट्रो जो बीमारी डॉग्स के अंदर होता है और जो डायरिया होता है डॉग्स में, आज मैं उसी के ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे पास आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरे पास एक टॉफी है जो मेरा मेल जीएसडी है और एक मेरा जेनी है जो फीमेल जीएसडी है। जेनी अभी 7 महीने का हो चुका है। तो मेरा ये दोनों डॉग अभी रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर इस बीमारी से पीड़ित रही और मैंने कैसे उनको क्या इलाज चलाया, क्या क्या सिम्टम्स है, आप लोगों को पता होना जरूरी है। अगर आप सही टाइम से सही इलाज नहीं करोगे तो वैसे तो ये जानलेवा नहीं है, अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट ना मिले तो डॉग का जान भी जा सकता है, इसमें कोई दौड़ाने वाली बात नहीं है। चलिए मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले जो मेरा टॉफी और जेनी है, एक 4-व्हीलर को जो टायर है उसके साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते उन्होंने टायर चबा लिया। चबा के जो मेरा जेनी है वो इतना सा एक टायर का टुकड़ा निकल गया। जैसे ही टायर का टुकड़ा निकल गया, अभी मैं आगे आगे जैसे बताऊंगा आप समझ लेना, ये सिम्टम अगर आपके डॉग में भी, आपका डॉग कोई अनवांटेड चीज खा लेता है या उसको इस तरह का कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो टायर का टुकड़ा खा लिया उसने शाम के टाइम, उसके बाद में रात का खाना बिल्कुल खाने का मूड नहीं था, तो मैंने उसको जबरदस्ती मुंह में डाल दिया खाना। आधा घंटे के अंदर वो वोमिट कर दिया, जितना चिकन और चावल खाया था पूरा के पूरा उल्टी कर दिया। तो ये एक सिम्टम हो गया डॉग के अंदर भूख चले जाना और खाना अगर खा भी लिया तो वोमिट हो जाना, जो खाना खाएगा वही वोमिट करेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में रात को करीब 2:30-3 बजे उसमें लूज मोशन हुआ, तो मुझे तब पता चला, क्योंकि उसके पॉटी के साथ में वो इतना बड़ा सा टायर का टुकड़ा निकला था, तब मुझे पता चला कि ना टायर का टुकड़ा खा लिया, लेकिन उसका जो भूख चला गया वो मुझे पता नहीं था इसके वजह से, क्योंकि मेरा डॉग कभी इस तरीके से बीमारी से जूझा नहीं था। तो जो भी है, उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना नहीं खाना चाह रही थी जो मेरा जेनी है, काफी ठीक ठाक था। तो सुबह मॉर्निंग वॉक से आए, फिर दोपहर को जैसे हमने खाना दिया, सेम खाने का इच्छा नहीं है, जबरदस्ती थोड़ा सा खिलाया, सेम आधा घंटे के अंदर वोमिट कर दिया। उसके बाद में 3:30 बजे दोपहर को बिल्कुल एकदम लिक्विड पानी की माफिक पॉटी कर दिया, उसको पता नहीं चला, लेटे लेटे उससे पॉटी निकल गया और जो पॉटी का स्मेल है बहुत ही गंदा स्मेल है, इतना गंदा स्मेल है कि पूरे घर को, मतलब उसका जो बदबू है उससे भर जाएगा, आप चाहे कितना भी डेटॉल से साफ कर लो, फिनाइल से साफ कर लो, सेम एज पार्वो की तरह। लेकिन पार्वो और गैस्ट्रो के डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। कई लोग क्या होता है, आप जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्या है, लोग जो पैरावेट है ये पैसा खींचने के चक्कर में आपके बोल देगा कि आपको डॉग को पार्वो हो गया है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए पार्वो और गैस्ट्रो के बीच में डिफरेंस क्या है। जो लीक पॉटी जो होगा गैस्ट्रो में, पॉटी बिल्कुल पानी के जैसा होगा, सेम पार्वो में भी होता है, और जो गैस्ट्रो का जो पॉटी का कलर होगा थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश हो सकता है, स्मेल दोनों में बराबर सा रहेगा, लेकिन गैस्ट्रो में पॉटी के साथ में या उल्टी किया तो उसके साथ में कोई ब्लड नहीं होगा, सिर्फ पॉटी होगा या उल्टी होगा लेकिन उसमें कोई भी ब्लड नहीं आएगा। आप इस चीज को समझ ले अच्छे से, अगर पार्वो हुआ, पप्पी या डॉग वोमिट करे या पॉटी करे, उसमें ब्लड 100% होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गैस्ट्रो में ब्लड नहीं होगा, बाकी सब चीज़ होगा। तो उसने पॉटी कर लिया,
उसके बाद में मैं टेंशन में आ गया, फिर मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चल रहा था अभी, तो ये अष्टमी के दिन की बात है, मार्केट सारा बंद है, सारा दुकान बंद है, मैं परेशान हो गया, कहाँ से दवाई मिले। तो जो भी है, मुझे काफी खोज बीन करने के बाद में कहीं से दवाई मिला, तो उसको हम सलाइन चला, 3 दिन सलाइन चला, 2-2, 3-3 इंजेक्शन चला, अभी दोनों मेरा स्टेबल है। जब मेरे जेनी को सलाइन चल रहा था, जो वेट आया, आने के बाद उन्होंने बताया कि आपका जो बड़ा वाला डॉग है कोशिश करे इससे अलग रखे, क्योंकि ये जो बीमारी है कम्युनिकेबल है, इसका जो स्मेल है अगर दूसरे डॉग के नाक में चला जाएगा तो उसको भी गैस्ट्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो भी है, मैंने कोशिश तो किया था टॉफी को अलग रखने के लिए, लेकिन टॉफी बच नहीं पाया। 2 दिन बाद उसको भी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आ गया, उसने भी लूज मोशन कर दिया। ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ऐसे ग्रीनिश सा पॉटी आएगा। तो टॉफी का भी इलाज चालू किया, उसके बाद जेनी 1 दिन सलाइन चलने के बाद ठीक हो गया। उसके बाद अगले दिन पूरा दिन ठीक रहा, शाम से दोबारा से उसने ये ग्रीन पॉटी कर दिया। देखिए, ये जो है ये डायरिया का सिम्टम है, ऐसे डॉग डायरिया के टाइम पे भी इस तरह का ग्रीन पॉटी करता है। तो उसके बाद में ये जो पॉटी आप देख रहे हो, इसके बाद में उसने लिक्विड पॉटी करना शुरू कर दिया। और पॉटी ऐसा है, उसके जहाँ से पॉटी करता है वहाँ से पॉटी ऑटोमेटिक निकल रहा है नॉनस्टॉप। जैसे आपने हल्का सा नल का खुला छोड़ दिया, पानी बूंद बूंद गिरता है, वैसे उसके पिछवाड़े से पॉटी कंस्टेंट गिरता रहा। मैं तो काफी टेंशन में आ गया, 10-10:30 बजे की बात थी। फिर मैंने फोन किया, बोला अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, शाम का डोज उसका ऑलरेडी चल चुका था, सलाइन और जो भी इंजेक्शन था वो हो चुका था। बोला अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगला दिन सुबह फिर वही चालू हुआ, तो अगले दिन से ठीक हो गया। टॉफी भी पतला पोटी किया, 2-3 बार वोमिट किया, लेकिन वो भी स्टेबल हो गया। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख ले, अगर आपके डॉग में ऐसा कोई सिम्टम दिखे तो आप तुरंत उसका इलाज कराए, सही इलाज करवाए। थोड़ा पैसा के चक्कर में अपने डॉग को घर पे ऐसे छोड़ना नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपके डॉग के जान भी जा सकता है। तो अगर आपका पेट आपका प्यारी है, प्यारा है, तो आप उसका इतना एक वेट के पास जरूर लेके जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा देखा हुआ केस है। एक जर्मन शेफर्ड था, बड़ा जर्मन शेफर्ड, उसने भी कुछ अनवांटेड चीज़ खा लिया था। 1 महीने से वो वोमिट कर रहा था और पॉटी कर रहा था। डॉक्टर ने उसका पार्वो गैस्ट्रो इसी दो के ऊपर उसका जोर लगा रखा था। तो 1 महीना हो गया, उसका पॉटी ना रुका ना उसका वोमिटिंग रुका, दोनों डॉक्टर फेल हो गया। फिर तीसरा वेट आया, उन्होंने आते ही सबसे पहले तो डॉग का पेट का एक्सरे करवाया। जब एक्सरे करवाया तो सारे हैरान हो गए, डॉग के पेट के अंदर ये जो रबर का बतख है, खिलौना जो दबाने से आवाज़ आता है, पैक पुक करके आवाज़ करता है, वो डॉग के पेट के अंदर था। पता नहीं उसने कब खा लिया था। जब उसको ऑपरेट करके बाहर निकाला, वो बिल्कुल पत्थर बन गया था। एक रबर का चीज़ पता नहीं कितने दिन से उसके पेट में था, अभी जब रिएक्शन चालू हुआ तब इसके ऐसे साइड इफेक्ट दिखने लगा। तो ये कुछ एक जानकारी था जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मैं हमेशा कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ होता है जो मैं नया फेस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी ऐसे कोई आपके डॉग के साथ भी अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आप टाइम रहते थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। होप ये जो मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इस पर लाइक करे, दोस्तों में शेयर करे, मुझे कमेंट्स करे। मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते, कभी भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।